गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई कल हमारी रेस थी लेजेंडर के साथ, तो उसमें आप सबने देख ही लिया क्या हुआ। गाड़ी के कंप्यूटर ने हमारा साथ नहीं दिया। मैन्युअली अगर गाड़ी होती तो हम चक्के छुड़ा देते, मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव नहीं होती। हाँ, ऑल व्हील ड्राइव अगर ना होती तो खाली बगैर लग्जरी ले लें क्या? ऑल व्हील ड्राइव नहीं, लग्जरी पैक में भी अगर लग्जरी पैक है ना, ऑल व्हील ड्राइव नहीं है ना। ऑल व्हील ड्राइव में एक्चुअली होता क्या है, सुबह मैंने महिंद्रा फोन किया, सुबह जब मैं उठा तो सबसे पहला काम किया वो महिंद्रा फोन किया। मैंने उनको बोला कि एग्जैक्टली मैं ब्रेक और एक्सीलरेटर एक साथ दबा के जब इसको लॉन्च करने की कोशिश की और जहां पे व्हील स्पिन होना चाहिए तो गाड़ी व्हील स्पिन नहीं कर रही। उन्होंने मुझे बोला कि सर इस गाड़ी में सारी चीजें ECU डिसाइड करती है कि भैया गाड़ी को पीछे वाला पावर कब देना है, या फिर मैनुअल आपके पास एक फंक्शन है जिससे आप इंगेज कर सकते हो ऑल व्हील ड्राइव को, बट आप डिसएंगेज नहीं कर सकते। वो उसका कोई ऑप्शन नहीं है इसमें ना कि आप भैया ऑल व्हील ड्राइव को कहीं से जाके मेन्यू से डिसएंगेज कर दो, जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल को हम करते हैं। तो अब क्या है कि जब गाड़ी रुकी हुई है और गाड़ी पे आप ब्रेक दबा रहे हो और एक्सीलेटर दबा रहे हो तो गाड़ी को लग रहा है कि गाड़ी फंस गई, मतलब ECU को लग रहा है कि गाड़ी फंस गई, टॉर्क दे रही है वो। तो वो क्या करती है, वो BHP मतलब वो टॉर्क आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करती है और पीछे वाले टायर्स को जान दे देती है। तो उसमें क्या होता है ना कि गाड़ी वहां से निकल जाए, ऐसा नहीं कि लॉन्च कर जाए, निकल जाए। निकलने के लिए गाड़ी क्रॉल करेगी जैसे फोर लो में हम करते हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज ये कर रही है, बट ये कर रही है अपने मन के हिसाब से। मैं नहीं चाहता कि वो करे, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये गाड़ी ड्रैग रेस के लिए, आप इसे ड्रैग रेस मत करना, बहुत बेइज्जती होगी हमारी, हो चुकी है। तो भाई हमारी की तो होगी। और भाई कल आते आते पता क्या बोला, हैरियर से और कर लो। तो भाई अभी भाई का फोन आया कि भाई आज आ रहे हो ना हैरियर लेके। एलविश भाई का फोन आया अभी कि आ रहे हो ना लेके। मैं भाई अब आप प्यार से बुला रहे हो तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। हम तो भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जीतेगा, भाईचारा जीतेगा। तो अभी तो कुछ काम के लिए जा रहे हैं, एक बार हम दिल्ली जा रहे हैं, वहां से वापसी करते हैं फटाफट और देन उसके बाद चलते हैं हैरियर्स एंड लेजेंडर की ड्रैग रेस कराते हैं आज। कोशिश पूरी रहेगी, बाकी भाईचारा जिंदाबाद। तो भाई गाड़ी पार्क कर दी, भाई ये पहुंच गया हम भैया के पास, अभी जाएंगे अंदर और अपना। और भैया कैसे हो? हेलो, नहीं नहीं कैसे हो भैया? चला बहुत बढ़िया, ठीक हो? कुछ हरियर का भी दे दो यार सामान, लाओ तो थी गाड़ी। भाई ला नहीं देता, जब भी चलने का टाइम होता है आप कभी भी आ जाओ। चलो आज आज बजट बनाएंगे ना, पहले आज हम बजट बनाने हैं दोनों गाड़ी का, फिर पैसे लेके आएंगे। है विकास भाई, आज बजट बनाने आए ना हम, फिर हम लोन अप्लाई करेंगे, फिर लोन अप्लाई करेंगे, फिर गाड़ी ले जाएंगे। अब ये 700 का तो बता दिया, हैरियर का ही बता दो कुछ। सर हैरियर के अंदर स्पीकर्स अपग्रेड करके एम्पलीफायर लगा देंगे, वो तो आपकी चॉइस के ऊपर है। मेरे को वो वाला चाहिए जो जगह साइड में आती है हैरियर में, मतलब आपको वैसे इसलिए मैं क्लोजर दे देंगे जो ज्यादा ज्यादा फायदा नहीं, साइड उसी जगह पे फिट होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोल के गया था, अभी इन प्रोग्रेस है, स्टेल्थ बॉक्स आया नहीं अभी इसका, कब तक आ जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली 15-20 दिन में, 15-20 दिन में आ जाएगा। चल रहा है, बहुत गाड़ियों के आ जाएंगे, देखना कितने गाड़ियों एक साथ लॉन्च हो जाए। तो आज बना दो भैया मेरी गाड़ी का भी बजट, फिर हम भी आ जाएंगे भाई लगवाने के लिए। तो भाई ऐसा है, कमल भैया ने तो देखो मुंह ही फेर रखा है, मतलब इतना महंगा महंगा माल दिखा दिया। विकास भाई ने तो कर दिया भाई डन। मैंने तो अभी लोन अप्लाई करूंगा। तो कमल भैया कुछ ऐसा कर दो ना, मतलब चीज भी ऐसी हो जाए। और मतलब आपकी गाड़ी में ना मोरेल का एक आता है मैक्सिमो सीरीज, अच्छा क्या ना, वो लगाएंगे कंपोनेंट दो साइड हम आगे पीछे और एक पोर्शन एम्पर डाल देंगे। पहले आप उसकी आवाज सुनना, मेरे हिसाब से आपको ऊपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पक्का, क्योंकि इसकी जो मिड बेस है ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी अच्छी है कि आपको बिना ऊपर के भी काम चल जाएगा, चल जाएगा। ये नहीं कहता कि देखो ऊपर धाए धाए करता है, ठीक है बहुत लाउड होता है, बट स्पीकर की भी जो मिड बेस होती है ना वो एक लेवल तक आपको देता है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक छोटा सा बॉक्स बनवा लेंगे वूफर का जो पीछे डिग्गी में जगह भी नहीं लेगा, छोड़नी पड़ेगी। मेरे को यही सोना पड़ेगा गाड़ी साथ, गाड़ी तो मेरे से छूटेगी नहीं। विकास भाई क्या कहते हो, फिर ऐसे ही करा लें, फिर करा लें विकास भाई। भाई विकास भाई खर्चा करा के मन देगा, विकास भाई की ऐड कर देंगे। ये सही है, ये सही है, भाई के में ऐड हो गया। अरे नहीं नहीं भाई मजाक सर,
ये मुझे आइडिया आपका बहुत अच्छा लगा भैया, वो वाला ना खाली स्पीकर से और एम्प से मेरा काम चल जाएगा ना, तो मुझे डिग्गी इसे कंज्यूम नहीं करवानी। लास्ट वीक क्रेटा में लगाया था वही मुरली का मैक्रो बेसिक वाला, तो साथ में एम्पलीफायर लगाया, तो कस्टमर ने तो बाद में ना रिएक्शन ये दिया कि भैया वूफर की जरूरत नहीं, वूफर उतार दो, उससे मैंने बोला कि आपका काम चल जाएगा। चलो फिर वो वाला काम करते हैं, ठीक है। कमल भैया ने अभी हमारे लिए कुछ लंच मंगवा रखा है भाई, वो करते हैं एंड देन उसके बाद अपना बहुत खास चीज, बहुत खास चीज भाई की खास है, पहले भी हमने खा रखी है, हाँ खा के आते हैं भाई, वो खाते हैं। और फिर भाई टाइम क्या हो गया, टाइम भी हो गया भाई 3 बजे, हाँ आज ड्रैग रेस भी है हमारी, वहाँ भी पहुँचना है टाइमली, उससे पहले प्रैक्टिस भी करनी है हमारे को, प्रैक्टिस भी करनी, एक प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना, पहले काट दो इसको, प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम, ड्रैग खेल रहे हैं। तो भाई ये आ गया अपना छोले कुलचे, ये खाते हैं और फिर साथ में ये निकलते हैं, एडल्ट ड्रिंक भैया मजाक कर रहे हैं भाई, कोका कोला। तो भाई विकास भाई ने तो लाखों की डील कर ली है, लोन भी अप्लाई हो गया, आप दोगे लोन? हाँ बुकिंग चल रही है, बुकिंग चल रही है भाई, लोन लेने वाला भी लोन देगा है भाई, बुक करते वक्त सिर्फ 21,000 रुपए देना पड़ता है, वो फुल एंड फाइनल पेमेंट बाद में होती है, बाद में होती है, बाद में होता है। तो भाई जेल ऑडियो ऑलरेडी लगा हुआ थार में और भैया ने रेकमेंड कर दिया मोरेल, ठीक है। अब भैया तो मेरे को भी मोरेल ही कह रहे हैं, चलो बात करते हैं भैया से, बाकी दोनों ही अच्छे हैं भैया, वैसे तो दोनों मेरे फेवरेट ब्रांड है, दोनों अच्छे हैं, तो मैं चाह रहा था कि विकास भैया कुछ डिफरेंट ट्राई करें इस बार, क्योंकि ना ये ब्रांड तो देखो नो डाउट बहुत अच्छा है ही है, ये भी उसके मुकाबले का अच्छा ब्रांड है, तो दोनों टेस्ट हो जाएंगे। चलो भाई नहीं होगा ना ऐसा लगेगा कि जैसे एक ही फोन पे आ रही की गाड़ी, अलग अलग फील होना चाहिए। तो भाई ठीक है, इस बार विकास भाई की मोरेल लगाते हैं, फिर अब अपनी हरियर में भी मोरेल लगाते हैं, ठीक है भैया, चले विकास भाई अब, चलो जी। तो जी करोल बाग से तो निकल लिए हैं, पर हमें फिर ट्रैफिक की शक्ल देखने को मिली है, मतलब दिल्ली में और ट्रैफिक ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और हमारा तो भाई जब भी एंटर में भाई ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। और देखो फॉर टाइम बीइंग के लिए ना विकास भाई लग गए हैं थोड़ा सा भाई, डस्ट वस्ट आ गई ना भाई यार, थोड़ा सा डस्ट आ जाती है दिल्ली में आगे तो भाई बहुत डस्ट आ जाती है। चलो चल गया भाई ट्रैफिक, पहुँचते हैं घर एंड देन उसके बाद सीधा अज्जू भाई के घर, आज ड्रैग रेस है लेजेंडर वर्सेस हैरियर, हैरियर वर्सेस लेजेंडर, लेजेंडर वर्सेस हैरियर, देखो कौन जीतता है, हैरियर जीत जाएगी, जीत जाएगी, मैनुअल है ना, मैनुअल है भाई, आज तो भाई ने पूरा सपोर्ट कर दिया। तो जी 700 तो खड़ी कर दिया हमने घर पे, ठीक है, और अब हम आ गए हैरियर में, विकास भाई आज जीतेंगे ना हम पक्का ना, कल का बदला लेना आज हमें, व्हील स्पिन करके जीतेंगे, व्हील स्पिन करके जीतेंगे। तो भाई हैरियर आज हमें निराश नहीं करी है। एलविस भाई, हाँ भाई एलविस भाई, हाँ भाई, अच्छा फोन में काफी व्यस्त थे, मैं कह रहा हूँ लेजेंडर का है आज भाई, लेजेंडर तो भाई डर की मारी छुप रही है भाई, भाई आज हैरियर आ रही थी भाई, मैं नहीं निकल के आऊंगी बाद में, मैं वरना निकाल के ले जाता हूँ, सीधी बात डर के भाई 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 ने पहले ऐसा कहा, अब क्या बोले हम। अज्जू भाई फिर क्या करें, विकास भाई क्या करें, वरना से करेंगे, वरना से कर ले, चलो वरना से कर ले, जीत हार का करेंगे मुझे लगता है, चलो भाई भाई ऐसा है कोई भी गाड़ी जीते, चाहे लेजेंडर जीते, 700 जीते, हैरियर जीते, वरना जीते, हमें तो चाहे कोई ना जीते, हमें तो फन करना है भाई, हमें तो फन चाहिए, इसको देख के इसको घर पे ट्राई ना करें, ये सारा ना कैसे उसके एक्सपर्ट की देख रेख में हो रहा है सारा काम, विकास भाई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट को पीछे कल कूदने वाला देखा, और हम कैसे रिवर्स कर रखा है वो, नहीं नहीं डोंट ट्राई दिस एट योर होम और नियर बाय रोड, करते हैं ड्रैग रेस शूट टिल देन, नहीं ये तो बाद में करेंगे हम, टिल देन पहले चलते हैं, करते हैं ड्रैग रेस। तो भाई ऐसा ही एरिया अपनी हैरियर, और ये खड़ी भाई की लेजेंडर, नहीं लेजेंडर भाई की ऑफिस में रहेगी, तो भाई आज वरना ले आया भाई, आज कोई बात नहीं, बस हमने भाईचारे की रेस करनी है, तो भाई लेजेंडर नहीं है तो क्या हुआ, वरना से कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई सी भी जीत जाए हमें तो पार्टी करनी। भाई ऐसा है आज फिर थोड़े से ऑफ रोडिंग रास्ते से होते हुए हम रेस ट्रैक पे जा रहे हैं, आज हैरियर आज अज्जू भाई चला रहे हैं, ड्राइवर नहीं है भाई, पायलट, पायलट बोलते हैं हम, जब ड्राइवर को एक्सपीरियंस हो जाता है ना ज्यादा, उसके बाद वो पायलट हो जाता है, भाई वरना आ जाएगी ना, बिखर तो नहीं जाएगी इसमें। तो भाई अपनी हैरियर अज्जू भाई एक बार ट्रायल रन ले रहे हैं कि जाएगी या नहीं जाएगी। तो भाई हैरियर तो उधर गई, अब ये हैरियर है 2021 दिसंबर की, 170 PS
और अपनी जो वरना है वो है 1.6 लीटर इंजन, पेट्रोल नहीं डीजल है, डीजल है, तो भाई ये वरना आ गई है टेस्ट रन करके, हैरियर भी अपनी टेस्ट रन करके आ गई है, अब देखते हैं, अब अपन चलाएंगे भाई अपनी, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो भाई अज्जू भाई टेस्ट रन लेके आए, इसका बता रहे हैं 10 सेकंड में जा रही है 0 से 100। एलिश भाई भी अपना टेस्ट रन लेके आ गए हैं, ठीक है भाई, अपन ने तो टेस्ट की नहीं है विकास भाई, अपन ने तो टेस्ट की नहीं, अब सीधा रेस ही कर लेते हैं, देखी जाएगी क्या बात है, जो भी जीते भाई भाईचारा जिंदाबाद। एलविश भाई क्या कहते हो फिर आप? अब मेरे को दिल का थोड़ा लग रहा है कि ये जीत सकती है, जीत सकती है, कौन चलाएगा इसको? मैं चलाऊंगा, चलो देखते हैं, चलो जी लगाते हैं लाइन पे और बैठते हैं गाड़ी में। ये होता है कॉन्फिडेंस कहते हैं। अपने को क्या लग रहा है कि भाई दोनों गाड़ी ना अपने अपने सेगमेंट की पावरफुल गाड़ी है, हैरियर भी पावरफुल गाड़ी है 170 bhp, और ये तो भाई रॉकेट थी, वरना तो खैर बहुत ही अमेजिंग थी। इसका जो डिजाइन है ना बहुत एरोडायनामिक्स है, और यहाँ पे ना ऑफ रोड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं हम ड्रैग रेस। हाँ विक्रम भाई कैसा लग रहा है? भाई लग तो अच्छा रहा है, बाकी ड्रैग रेस कभी की नहीं है। हाँ वैसे तो भाई हाईवे पे तो बहुत चले। एक बार ये खोलना थोड़ा, एलविश से पूछूं। एलविश भाई, एलविश भाई डर तो नहीं लग रहा है? चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ अभी भाई बताएंगे 1 2 3 वाला। रेडी, जय माता दी। ओ रेस छूट ले, छूटी ले, छूट गई। ये नहीं पकड़ पाएगी अब, नहीं पकड़ पाएगी। हाँ बहुत क्लच का रहेगा, क्लच का। हाँ ये तो छोड़ दो, ये रेस, ये फर्स्ट राउंड तो हार गए, फर्स्ट राउंड नहीं। हाँ बहुत तेज गई, क्लच का है ना वो 2000 rpm से ऊपर खड़े में लेती नहीं। भैया इसका थर्ड राउंड मैं चलाऊंगा एक बार, ठीक है थर्ड राउंड मैं चलाता हूँ, अभी तो एक बार सेकंड राउंड मैं देखता हूँ। सेकंड आप देख लो, सेकंड आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, गियर लगाओ, ये देखो क्लच दबाओ। देखना पीछे, कोई ठोक मत देना किसी को। भाई कैसे कह रहे हो? हैं? सेकंड राउंड लोगे? देख लेते हैं यार क्या फर्क पड़ता है, ड्रैग रेस हम भी सीख लेते हैं, ड्रैग रेस लॉन्च सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी लॉन्च, जिसका लॉन्च बढ़िया नहीं हुआ ना वो कर रेस हार गई। एलविश भाई, एलविश भाई एक ना स्कूल स्टार्ट करो, लॉन्च करना सीखे, कैसे सीखे गाड़ी? हाँ ट्यूशन लेते हो, चलो मैं ज्वाइन कर। हाँ ठीक है, अच्छे से करना, ठीक है विकास भाई देखेंगे और आप देखो, दो एक एक राउंड और करते, एक राउंड मैं चलाता हूँ, एक राउंड आप चलाओ, आओ बैठ गया। चलो भाई अज्जू भाई को एक्सपीरियंस है ड्रैग रेस का, और विकास भाई भी अपने लेके बैठे हैं भाई, कल आपने कल का एक्सपीरियंस ले ही रखा है ड्रैग रेस का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो अब देख लेते हैं। हाँ चलो करो, चलो करो जी भाई, भाई अपनी हैरियर जो है ना ये नहीं ले रही, रेव नहीं ले रही, मतलब भाई ये जो नई गाड़ी है ना इनमें साला कंप्यूटर इतना सिस्टम दे दिया, ये ड्रैग रेस के लिए बन नहीं रही, ठीक है भैया कराएंगे, मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो जी। एक शॉट है, रुक गए रुक गए रुक गए, एक दो तीन, नहीं भाई नहीं, बात बनी नहीं, अभी भी लॉन्च का ही पंगा है भाई सारा, पर अज्जू ने काफी खेच दी भाई। जीत गई हैरियर तो भैया। अरे नहीं तो भाई ऐसा है, ड्रैग रेस करने का कोई फायदा नहीं हुआ हैरियर, क्योंकि अपनी हैरियर में जो सेकंड गियर है ना, सेकंड गियर के बाद गाड़ी लैग लेती है, सेकंड गियर के बाद तो गाड़ी फाड़ के निकलती है भाई, बिल्कुल क्लियर निकलती है, लेकिन भाई तब तक गैप बन जाता है। हाँ हाईवे पे अगर हम लंबे, हाँ लंबी रेस के घोड़े में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना टनाटन है। अब जैसे एलविश भाई अब इसको भगा के लेके आ रहे हैं, देखो
दूर से गाड़ी मतलब शेर सा धाड़ते हुए आता है ऐसे तो, ये देखो। पर लेकिन भाई वही है, लैग है थोड़ा सा, सेकंड गियर। भाई ने पूरा टेस्ट रन ले लिया इसका। भाई लाइन पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ भाई। चलो मैं कराता हूँ, अज्जू चला गया भाई वरना में। एलविश भाई अपने ड्रैग रेस एक्सपर्ट, यहाँ पे होगा भाई एलविश चला रहा है हैरियर और अज्जू चला रहा है भाई वरना ऑटोमेटिक है, हैरियर मैनुअल है। लॉन्च करने के लिए विक्रम सर बीच में खड़े हैं, ठीक है, सारे हाथ सारे लोग अपने तो भाई अभी खड़े हैं लॉन्च कराने के लिए कि वरना जी जीतेगी हैरियर। भाई हैरियर का मैंने आपको अभी बताया कि सेकंड गियर का जो लैग आता है थोड़ा सा उसमें, ये 1.6 ऑटो है वो 2 लीटर है, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, रेस कराते हैं स्टार्ट। 1 2 3 नहीं एलिस भाई क्या लगा आपको, क्या लगा पहले गियर में कोई दिक्कत है लॉन्च में आती है ना? बस बस इतना छोड़ दो, हो गया। हाँ स्टार्ट रहने दो। क्या हुआ था इसमें? अब भाई इसका पहले गियर ना लॉक ना हुआ, ये बता देगी कि चाबी अंदर पो 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 कर रही थी ये। तो भाई ऐसा है हार गई। ये भी नहीं भाई, हाँ हार गई भैया, ड्रैग रेस हार गई, ड्रैग रेस नहीं है। हाँ अब कुछ और देखेंगे, ड्रैग रेस के लिए नहीं बनी है भाई, ड्रैग रेस के लिए बिल्कुल नहीं। तो ठीक है भाई, ड्रैग रेस तो हो गई है खत्म, भाईचारा हो गया अपना जिंदाबाद। तो चलते हैं अपने घर वापस, टिल देन पीस।